संबल से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, जहां 40 साल के शख्स को अगवा कर अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर शव को बोरी में सिलकर कूड़े के ढेर में छिपा दिया। पीड़ित के परिजनों की आत्मदाह की चेतावनी के बाद पुलिस ने शव बरामद कर घटना का खुलासा किया है। सनसनीखेज अपहरण और हत्या और फिर कूड़े के ढेर में शव को छुपाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की रोंगटे खड़े करने वाली वारदात भी संबल में इन दिनों अपराध की सनसनी बन चुकी चंदोसी कोतवाली इलाके की है, जहां नीरज नाम के 40 साल के शख्स को उसके ही परिचितों ने 18 मई को अगवा कर लिया। नाम दर्ज रिपोर्ट हुई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश भी कर दिया, मगर अगवा नीरज को पुलिस ने बरामद नहीं किया, जिसके खिलाफ परिजनों ने आत्मदाह की चेतावनी दी। तब जाकर पुलिस ने किशन के एक और सहयोगी को कब्जे में लेकर पूछताछ की तो जो सामने आया बहुत ही डराने वाला था। पुलिस के अनुसार नीरज के किशन पर रुपए थे, जिन्हें ना देने को उसने अपने सहयोगी बीकन के साथ उसका अपहरण किया और गोली मारकर हत्या कर दी और शव को बोरी में सिलकर सबूत नष्ट करने कूड़े के ढेर में छिपा दिया। आरोपी भूकन की निशानदेही पर 17 दिन बाद पुलिस ने आज शव बरामद कर हत्या में उपयुक्त कार और तमंचा बरामद किया। एसपी ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। वही खुलासा कर अपनी पीठ को ठोकने वाली पुलिस परिवार के मुखिया को भी जहां अपहरणकर्ताओं के चंगुल से जिंदा नहीं बचा सकी, वहीं हत्याकांड में नीरज का शव 17 दिन बाद कूड़े में छिपा पड़ा रहा। कहा गई चंदोसी पुलिस का सूचना तंत्र क्यों हो रहे हैं शहर में लगातार अपहरण हत्याएं फायरिंग। फिलहाल चंदोसी कोतवाली पुलिस से इन सवालों के जवाब बाकी हैं। 18 तारीख को थाना चंदोसी पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम हम लोग जान रहे हैं नीरज है, ये अपने घर से अपने दोस्त के साथ में, घर वालों ने बताया कि उसके साथ गया था जिसका नाम किशन था। तो घर वालों की तहरीर पर पहले गुमशुदगी, उसके बाद 20 तारीख को इसमें धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इसको ढूंढने की पूरी कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही थी, साथ में एसओजी की टीम लगाई गई थी। 29 तारीख को इसमें जो किशन जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई, लेकिन उससे पूछताछ से बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं निकले। उसको उस समय माननीय न्यायालय भेज दिया गया, जहाँ से वो इस समय जेल में है। इसके पश्चात एसओजी की टीम के द्वारा और थाना चंदौसी की पुलिस के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई जारी रही। आज के दिन एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम भीकम सिंह है, जो किशन का रिश्तेदार लगता है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है तथा उसकी निशानदेही पर चंदौसी कस्बे के पास में से ही इस जो अपहृत व्यक्ति था इसका शव बरामद किया गया है। शव के साथ में उसके कपड़े व अन्य सामान भी बरामद किया गया है, जिससे उसकी शिनाख्त की गई उसके घर वालों के द्वारा। इसके साथ में एक ऑल्टो गाड़ी जिसका प्रयोग इस घटना में किया गया था तथा एक अवैध अस्त्र भी बरामद किया गया है। इन सभी चीज़ों को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जो मृतक है और किशन, इन दोनों के बीच में पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद था, जिसके बारे में अभी और विवरण किया जा रहा है लगातार। और इस विवाद के चलते ही किशन ने गोली मारकर इस व्यक्ति की, नीरज की, हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने घर में जब ये सोया, जो यहाँ पे एक एजेंसी है वहाँ पर ये सोया हुआ था, उस समय गोली मारकर हत्या की गई। उसके पश्चात उसके शव को एक बोरे में सिलकर और चंदौसी कस्बे के बाहर एक कूड़े का ढेर है वहाँ पर ये लोग दबाकर आए। इस तरह से इस घटना में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी बरामदगी से जो आला कत्ल है वो बरामद किया गया है और एक गाड़ी बरामद की गई है और इस घटना का सफल अनावरण किया जा रहा है।